हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? और आज मेरे ब्रेकफास्ट में मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, डोसा। ये देखिए, पहले मैं उसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। जीरा, राई और इसमें हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट डालूँगी, अच्छे से उनको भून लूँगी। और अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है डोसा, ये साउथ इंडियन डिश है। साउथ इंडियन डिश में कड़ी पत्ता तो डलता ही है, मैं भी इसमें कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। देखिए भुन रही है, और मेरे साथ आप लोग एंड तक ज़रूर रहिए। मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूँगी आपको बताने की कि मैंने कैसे बनाया। और इसमें मैं इसे मसाले डाल दूँगी, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया, सब मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और अब मैं ये आलू मैंने पहले ही उबाल के अच्छे से मैश करके रख लिया था, इसका पेस्ट सा बना लिया था। और अब इसमें मैं डाल दूँगी बहुत अच्छे से, अब ये मिला के तैयार कर लूँगी। इसमें अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी। देखिए कितना अच्छा कलर भी आया इसका। आप लोग अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अब मैं मूंगफली की और नारियल की चटनी को के मसाले फ्राई कर लूँगी। देखिए थोड़ा सा तेल डाल दिया मैंने, और इसमें जीरा, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, ये सारे मसाले डाल के इनका कच्चापन निकालना है हमें, और ज़्यादा नहीं भूनना है। इसका कच्चापन निकाल के फिर इसमें मैं मूंगफली डाल देती हूँ। अब मूंगफली भी थोड़ी भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, क्योंकि उसका भी कच्चापन ही थोड़ा निकालना है। उसका इनका कच्चापन निकलने के बाद उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। अगर ऐसे ही पीस के बनाएंगे चटनी तो वो टेस्ट नहीं आता। और इसी में मैं अब टमाटर की चटनी के भी मसाले फ्राई कर लूँगी। ये जीरा डाल दिया मैंने, और ये अदरक, लहसुन और ये दालें डाल दूँगी मैं, ये चने की दाल और उड़द की दाल, इसको डाल के भून लूँगी थोड़ा। और इसमें दो मिर्ची भी डाल लूँगी, लाल मिर्ची। और देखिए कितना अच्छे कलर आएगा इसका। प्याज डाल दूँगी, इसका भी कच्चापन निकालना है, ज़्यादा नहीं भूनना है हमें। अब मैं टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर को ज़्यादा गलने नहीं देना है, बस थोड़ा इसका कच्चापन ही निकालना है सबका। अब देखिए कितने अच्छे से भुन गए हैं। और आप लोग एक बार ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी होता है। और ये अब मैं मिक्सी कर लेती हूँ। ये चने की दाल है, भुने हुए चने की दाल, और ये नारियल, कच्चा वाला नारियल जो होता है ना वो, और ये जो मसाले मैंने फ्राई किए थे वो, और इमली भी मैंने डाली है इसमें, थोड़ी सी इमली डाली है। इसको थोड़ा थोड़ा पानी कर डाल के पीस लूँ।
डोसा बनाओ मम्मा डोसा बनाओ। जब भी उसका मन कुछ अच्छा खाने का होता है तभी बोल देती है डोसा बनाओ मम्मा, ये देखो कि बोल रही है कितना अच्छा बना हुआ है, मैं भी फिर टेस्ट करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये मेरा बेटा देखो ये भी खाता है। मैं पूछ रही थी कि कैसा बना, अच्छा बना ना, तो बोला सिरे ला रहा था। ये देखिए मैं भी अब इसको टेस्ट करती हूँ कि कैसा बना है, फिर मैं भी थोड़ा खाऊंगी। ये देखिए अब बहुत टेस्टी भी बहुत अच्छा लग रहा था, और ये जो चटनी है ना नारियल और मूंगफली की चटनी, बहुत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। टमाटर की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है।